गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल वंस अगेन। तो फ्रेंड्स स्वागत है आपका मेरे चैनल में एक बार फिर से। तो प्राथमिक शिक्षक भर्ती नवंबर 2020 के फॉर्म के लिए अंतिम जो है तारीख डिसाइड कर दी गई है। अगर आपने कोई मिस्टेक्स की है, फॉर्म अगर आपने पौड़ी गढ़वाल से भरा है, तो आपके लिए अंतिम मौका है। कैसे है, क्या करना है, पूरे ही डिटेल में आपको मैं इस वीडियो में बताऊंगा। तो मेरे साथ आप अपना बने रहिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी पौड़ी गढ़वाल ने ये रिलीज की हुई है एडवर्टाइजमेंट, जहाँ पर उन्होंने ये कहा है कि जो फॉर्म निकले हुए थे आप देख सकते हैं, रेफरेंस नंबर आपके लेफ्ट हैंड साइड में ऊपर होगा, ठीक है, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट, जो कि आपको उस फॉर्म में भरना है। कौन से फॉर्म में कहाँ है अभी मैं आपको बताऊंगा उसकी सारी डिटेल। तो फ्रेंड आप देख सकते हैं लेवल 6 की ये जॉब थी जो सहायक अध्यापक की निकली हुई थी, 94 पदों पर, जहाँ पर अनुसूचित जाति की 19, अनुसूचित जनजाति की 3, अन्य की पिछड़ा वर्ग की 13, और जो EWS के 9, और जो है अनारक्षित की 50, यानी कि नॉन रिजर्वेशन की, ठीक है, 50 पोस्ट, यानी कि कुल मिला के यहाँ पर 94 पोस्ट निकली हुई थी। अब इसके लिए जो पौड़ी गढ़वाल यहाँ पर आप देख सकते हैं प्रारंभिक शिक्षा विभाग है, वहाँ ने ये कहा कि अगर आपके फॉर्म में कोई मिस्टेक है, जिसकी पूरी लिस्ट इन्होंने जो है जो ऑफिशियल वेबसाइट है schooleducation.uk.gov.in पर अपलोड कर दी है, यानी कि अगर जिन जिन स्टूडेंट्स ने फॉर्म भरे हैं उनके फॉर्म में कोई दिक्कत है, तो वो फॉर्म का किस आप किस नाम से किस फॉर्म में क्या दिक्कत है, वो सारा डिटेल आपको इनकी जो है ऑफिशियल वेबसाइट पर अवेलेबल हो जाएगा। और मैंने उसका एक PDF लिंक या फिर एक्सेल फाइल जो है मैंने अपने टेलीग्राम पे भी पोस्ट कर दी, तो आप टेलीग्राम पे ज्वाइन करना मत भूलिएगा हमें, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इन्होंने कहा है कि फॉर्म में अगर आपके कोई पर्सनल डिटेल, आवेदन पत्र के साथ संलग्न किए गए शैक्षणिक या फिर ट्रेनिंग और समस्त प्रमाण पत्रों के आधार पर अवधारित गुणांकों एवं पात्रता की परीक्षण कर लें, यदि प्रकाशित सूची में किसी भी अभ्यर्थी को कोई भी भिन्नता या त्रुटि होती है, तो वो इस संबंध में आवश्यक जो डॉक्यूमेंट है उनके अनुसार अपना स्व हस्तरिक प्रत्यावेदन दिनांक 8 नवंबर 2021 तक पंजीकृत डाक से, या आप स्वयं जो है कहाँ पर, जहाँ पर ये जिला शिक्षा अधिकारी प्रारंभिक शिक्षा पौड़ी गढ़वाल में जाकर जमा कर सकते हैं। 8 नवंबर लास्ट डेट है, उसके बाद कोई आपको ऑप्शन नहीं दिया जाएगा प्रत्यावेदन करने का, यानी कि आपके पास एक सुनहरा मौका है, अंतिम मौका है। पूरी लिस्ट मैंने अपने टेलीग्राम पे डाल दी है, जाके आप उसको देख सकते हैं। अगर आपका नाम उसमें है, आपके नाम के आगे कोई मिस्टेक है, तो आपके डॉक्यूमेंट सेल्फ अटेस्टेड आपको इसी पते पर भेजने हैं। अगर आपके पास में है, मैं तो ये कहूँगा आप चले ही जाओ, सबसे अच्छा है। जिला शिक्षा अधिकारी पौड़ी गढ़वाल के ऑफिस में आप हैंड टू हैंड जमा कर दो, उससे अच्छा कोई बात नहीं हो सकती। काफ़ी समय है, 8 नवंबर आपके पास अंतिम समय है। तो 94 पदों पर जो भर्तियां आई थी उसके लिए गवर्नमेंट ने आपको एक अंतिम मौका दिया है, तो आपके लिए बहुत अच्छा चांस है। बाकी और कुछ लोगों के कमेंट हमारे पास आ रहे थे कि ये कि इसकी जो मेरिट लिस्ट कब तक आ सकती है, तो ऑलमोस्टली यार अभी तो फॉर्म ही भरे जा रहे हैं, प्रतिवादन ही हो रहा है, तो सोचिए कब तक। तो नवंबर के लास्ट तक आपको ये फॉर्म की जो मेरिट लिस्ट देखने को मिलेगी,